अभी आपको बताएं, वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए सी पैक का इजलास हुआ। सी पैक फ्रेमवर्क में दो नए मंसूबों की शमूलियत पर गौर किया गया। वफाकी हुकूमत ने सी पैक का दायरा कार बढ़ाने और ज़रई शोबे को भी इसमें शामिल करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए सी पैक के इजलास में जारी मंसूबों पर अमल दरामद में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। रवां माली साल के लिए प्लान जेर बहस लाया गया। इलावा अजीज दौरान इजलास सी पैक फ्रेमवर्क में दो नए मंसूबों की शमूलियत पर भी गौर किया गया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने सी पैक का दायरा बढ़ाने का फैसला ऐसे वक्त में किया जब चंद रोज बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बीजिंग का दौरा करने वाले हैं। इस दौरे में सी पैक के हवाले से मुल्की तरजीहात पर गुफ्तगुशनीद की जाएगी। काबीना कमेटी इजलास में शामिल हुकाम के मुताबिक 6.8 बिलियन डॉलर मालियत के मेन लाइन वन मंसूबे का इफ्तिताह इसी माली साल में मुमकिन तौर पर यकम जनवरी 2021 को करने पर भी गौर किया गया। तहम हतमी तारीख का तायुन वजीर खारजा के दौरे चीन से वापसी पर किया जाएगा क्योंकि इस्लामाबाद चाहता है कि इस मंसूबे का इफ्तिताह चीनी सदर करें।